जब आप बुलंदियों की ऊंचाई पर जाते हो, आप पर हजार उंगलियां उठती हैं। एमएस धोनी पर आए दिन कोई न कोई आरोप लगता रहता है, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो या युवराज सिंह, सब ने कोई न कोई आरोप एमएस धोनी पर लगाया है। अब इन आरोप में कितना सच है या कितना झूठ, ये आप डिसाइड करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, और आज हम और एक आरोप के साथ आपके सामने हैं। ये आरोप मनोज तिवारी ने लगाया है। मनोज तिवारी ने जिस मैच को लेकर धोनी को लपेटा, उसकी असली कहानी क्या है? टीम इंडिया और बंगाल के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी काफी चर्चा में हैं। दो वजहों से, पहली वजह है बिहार के खिलाफ रणजी मैच के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट, और दूसरी वजह है इस मैच के बाद दिए गए अलग अलग बयान जिसमें उन्होंने दिग्गज इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और कुछ हद तक गौतम गंभीर पर तंज कसा है। टीम इंडिया के लिए 12 वनडे और 3 टी20 खेल चुके मनोज ने महेंद्र सिंह धोनी पर टीम इंडिया से उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं महेंद्र सिंह धोनी से पूरी विनम्रता के साथ निश्चित तौर एक सवाल करूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि शतक बनाने के बावजूद मुझे टीम इंडिया से क्यों ड्रॉप किया गया, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब कोई भी रन नहीं बना रहा था, न ही विराट, न ही रोहित और न ही सुरेश रैना। अब तो मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तिवारी ने अब यहाँ जिस शतक का जिक्र किया, वो किसके खिलाफ था और इस मैच का नतीजा क्या रहा था, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। मैच में क्या हुआ था? तारीख 11 दिसंबर 2011, जगह चेन्नई का मैच चिदम्बरम स्टेडियम। वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया के बीच वनडे सीरीज का 5वां मैच खेला जा रहा था। 3 मैच जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज जीत चुकी थी और ये मैच महज औपचारिकता भर रह गया था। टॉस जीता इंडियन टीम के कैप्टन गौतम गंभीर ने और पहले बैटिंग चुनी। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। स्कोरबोर्ड पर महज एक रन लगा था कि पहले पार्थिव पटेल और फिर अजिंक्य रहाणे चलते बने। यहां से पारी संभाली कैप्टन गौतम गंभीर और युवा बैटर मनोज तिवारी ने। दोनों स्कोर को 84 रन तक लेकर गए। गंभीर 31 रन बनाकर आउट हुए। फिर क्रीज पर आए विराट कोहली। कोहली ने मनोज तिवारी के साथ मिलकर न सिर्फ वेस्टइंडीज के बॉलर्स के खिलाफ खूब रन बटोरे। 117 रन की इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप के दौरान मनोज तिवारी ने अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा किया। तिवारी ने 126 गेंदों पर 104 रन बनाए और फिर क्रैम्प के चलते मैदान से बाहर चले गए। कोहली ने 80 रनस की पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 6 विकेट के नुकसान पर 267 रन तक पहुंचा दिया। बारी आई वेस्टइंडीज के बैटर्स की और शुरुआत में ही कैरिबियन बैटिंग लाइन अब ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 78 रन तक आधी टीम पवेलियन लौट गई। यहां से कायरन पोलार्ड ने आंद्रे रसल के साथ मिलकर टीम को संभाला और स्कोर को 167 तक लेकर गए। रसल 53 रन बनाकर गंभीर के थ्रो पर रन आउट हुए। पोलार्ड ने 119 रन की शानदार पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई और प्लेयर टिककर नहीं खेल सका और वेस्टइंडीज की टीम 44.1 ओवर में 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शानदार पारी के लिए मनोज तिवारी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। हालांकि शतक लगाने के बाद उन्हें अगला मौका पाने के लिए 14 मैच और तकरीबन 7 महीने इंतजार करना पड़ा। इसके बाद उन्हें नियमित तौर पर टीम में मौका नहीं मिला। तिवारी ने भारत के लिए 12 वनडे मुकाबले खेले। उनके नाम 12 वनडे मैच में 26.09 की औसत से कुल 287 रन रहे, जबकि 3 टी20 में उनके नाम 15 रन है। तिवारी ने करियर का आखिरी वनडे और इंटरनेशनल मैच 14 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला।